थाना कपूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग लीडर सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे निशानदेही पर चोरी की 5 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की गई है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को दिनांक 5 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे 5 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद हुई थी एवं गिरोह से अब तक कुल 10 स्कूटी बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि कंपनी काइनेटिक ग्रीन के द्वारा GYPP कंपनी के साथ टीम लीडर के माध्यम से उक्त स्कूटियों को राइडर के माध्यम से फूड डिलीवरी के इस्तेमाल करने के लिए टाइप है तथा अभियुक्त GYPP कंपनी में टीम लीडर एवं राइडर के पद पर कार्यरत है, जिनके द्वारा अपनी ही कंपनी के राइडर की स्कूटियों को चोरी कर सस्ते दामों में बेचते थे। सर, कपूरपुर पुलिस ने खुला था, क्या क्या पूरा खुला था, कितने लोग गिरफ्तार किए? 5 सितंबर को थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा ही 5 स्कूटी बरामद करते हुए 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण में गैंग लीडर और अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी, जिसमें गैंग लीडर सहित 2 अभियुक्त जो कि दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं आज गिरफ्तार किया गया तथा उनसे 5 और ई स्कूटी बरामद की गई। पूरा प्रकरण ये रहा कि काइनेटिक ग्रीन कंपनी है जो ये स्कूटी ई स्कूटी बनाती है, उससे जिप ZYPP इस नाम की एक कंपनी थी जिसने जोमेटो और अन्य फूड डिलीवरी कंपनियों को देने के लिए डिलीवरी का एक मैकेनिज्म बनाया था। ये जिप कंपनी के ही टीम लीडर हैं जिन्होंने अपने ही राइडर्स की बाइक को चुरा करके और ये बेचा हुआ है। ये कितने दिन बेचते थे? ये 8,000, 10,000, 12,000 इस तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं।